चुका है। Very good afternoon to all viewers. Today we have a critic, a correspondent, a poet and a writer who has written three books. One is a poem Talashta Sach, Exploring Truth. Other is Surya Balao Ki Kahani Ka Manovidyanik Adhyayan. And he is writings for journals, newspapers. We have a poet who has devoted himself for the social cause. Such a poet we have Professor Dr Kannulal Vitore. His poem is written on the diverse subject. Sir, we would like to know that where you got inspiration to write such poems on a varieties of subject, like you have written poem on life of farmer, life of fisherman, life of depressed class, and even your poems is also on some of the great personalities who have changed the world. Can you tell us something about where you got the inspiration to write such poem? देखिए, मुझे कविता लिखने की जो प्रेरणा है अपने घर परिवार से मिली है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे दादाजी, पिताजी, माताजी कोई बड़े साहित्यकार, कवि वगैरह थे, ऐसा नहीं। परंतु मौखिक जो परंपरा होती है कुछ गीत सुनने की, तो मुझे लगता है कि मेरे माता द्वारा, नानी द्वारा बचपन में कुछ लोरियां सुनी हैं। सुबह सुबह द्वार पर कभी कभी कोई पोतराज, कुछ गोंधली, जो कि हमारे महाराष्ट्र में आज भी लोकगीत गाते हुए घर परिवार वे जाते हैं और लोकगीत सुनाते हैं। इतना ही नहीं तो खेतों में काम करने वाले किसान हैं, मजदूर हैं, जो कुछ गीत गाते हैं, लोकगीत गाते हैं। गांव में मंदिर है, मस्जिद है, वहां भजन करते हुए, हरिपाठ करते हुए कुछ भक्तजन मुझे दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं बचपन से मेरा संबंध, मेरा अनुराग इन बातों से रहा। अतः मुझे लगता है कि यही वे तत्व हैं जिनसे मुझे प्रेरणा मिली कि चलो मैं भी कविता लिख सकता, और यही वे तत्व हैं जिनसे मैं भविष्य में कविता लिख पाया हूँ। मैंने बहुत नजदीक से किसानों को देखा है, मैंने बहुत नजदीक से जो भी मेरी अनुभूति है गांव को भी देखा है और शहर को भी देखा है। सर, आपने मछुआरों पर भी, गन्ना तोड़ मजदूरों पर भी आपने कुछ कविता लिखी है? हाँ जी सर। देखिए, गन्ना तोड़ मजदूर देखा जाए तो पूरे देश में लाखों ऐसे मजदूर हैं, लाखों करोड़ों ऐसे मजदूर हैं कि जो गन्ना तोड़ने का काम करते हैं, परंतु उनके दुख दर्द को, उनकी पीड़ा को साहित्य में बहुत कम मात्रा में जो है अभिव्यक्ति मिली है। और मैंने बहुत नजदीक से इन लोगों के दुखों को देखा है कि कैसे जब गांव में दीप जलते हैं और वे अपनों से बिछड़कर आधी रात को दूर दराज के कारखानों के लिए अपने परिवार के साथ गन्ना तोड़ने के लिए जाते हैं, और वहां जाने के बाद आपको बता दूं कि वहां उनके पास कोई सुविधा नहीं होती है। वे किसी खेत खलिहानों में रहते हैं, यहां तक कि परिवार के जो सदस्य हैं, उनकी दादी हो, घर की बुढ़ी औरत हो, या स्कूल में पढ़ने वाला एक छात्र हो, वे उसे गांव रख देते हैं और दूर दराज जो कंटीले रास्तों से दूर दराज जाते हैं। सर, आपने इस डाइवर्स सब्जेक्ट पर कविता लिखी है, यू हैव रिटन द कविता पोएम्स ऑन ए डाइवर्स सब्जेक्ट्स, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आपका उसका उद्देश्य क्या मानते हैं? किस आपने अपने विचार व्यक्त करने के लिए कविता लिखी है, या कुछ समाज को कुछ प्रबोधन होना चाहिए इसीलिए लिखी है? देखिए, सही बात कही आपने कि मेरी कविता का उद्देश्य या साहित्य का उद्देश्य मात्र मनोरंजन नहीं होना चाहिए, तो उसमें एक उपदेश होना चाहिए। इट इज कॉल्ड डायडेक्टिक पोएम। हाँ सर, इंग्लिश। तो वो उपदेश की बात भी उसमें है। और जब मैं समाज में, देश में देखता हूँ तो असमानता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है,
चाहे वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, विभिन्न क्षेत्रों में विसंगतियां पनपती जा रही हैं। और जैसे कि मेरी कविता है आदिवासी जन, उस कविता में मैं कहता हूं कि घने कंटीले रास्तों में या वहां नहीं है सड़कें, वहां नहीं है सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, आधी रात को घने कुहारे जंगल में जब भी कोई माँ देती है जन्म किसी बच्चे को, वहां हमारा कैमरा नहीं पहुंचता, वहां हमारी मीडिया नहीं पहुंचती। हम लाइव दिखाते हैं रईसों की शादियों की झांकियां, हम लाइव दिखाते हैं रईसों की शादियों की झांकियां, सार्थक निरर्थक बहसों की झांकियां, वहां हमारा कैमरा नहीं पहुंचता। जब आधी रात को घने कुहारे जंगल में कंटीले रास्तों में जब भी कोई माँ देती है जन्म किसी बच्चे को, कि आज भी अभावग्रस्त जीवन जीने वाले ये लोग वहां तक सुविधाएं नहीं पहुंची सर। आदिवासी विकास को लेकर नीतियां बनती हैं या विशिष्ट योजनाएं बनती हैं, परंतु मूलतः वहां तक वो योजना पहुंचती नहीं है। और आज भी इस देश में ऐसे वर्ग है, ऐसे समूह है जो विकासों से कुरूर है। तो मुझे लगता है मैं अपनी कविताओं के माध्यम से इन उपेक्षित जनों को या इन लोगों की आवाज को बुलंद करने का मेरा अपना एक जरिया। सर आपने शिक्षकों की स्थिति पर भी कविता लिखी है, अपने आदिवासी जन के ऊपर भी कविता लिखी है, गन्ना तोड़ मजदूरों के ऊपर भी लिखी है, तो आपको उन कविताओं में डाइवर्सिटी नजर आती है जी। तो आज के नवयुवकों को, नव लेखकों को जो वेरियस कॉरेस्पॉन्डिंग करते हैं, जो न्यूज़पेपर सिर्फ आपने अभी अभी कहा है कि वो सिर्फ which is only concentrated on the dominant class, politician like actor actresses, the people who are on the dominant position. Your writing is based on the people, as I already mentioned that the people who are fishermen, the people who are farmer. So what's give you inspiration to write such poems on the people who are डिप्रेस्ड? देखिए सर, मुझे लगता है कि इस देश में आज भी इस देश का अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा, दिन ब दिन जो है प्रकृति का प्रकोप कहिएगा, कभी अकाल है, कभी बाढ़ है, या अनंत ऐसी विपदाएं हैं जिसके कारण खेती किसानी प्रतिवर्ष जो है चौपट हो रही है। और ऐसी अवस्था में मात्र महाराष्ट्र ही नहीं, देश के कोने कोने में जो है बहुत जगहों पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। एक दौर था, हम उसे देश में पनपे हैं सर, जन्मे हैं, कि जहां कभी जय जवान जय किसान का नारा हमने दिया था, पर आज मुझे लगता है कि सरहद पर वहां जवान गोलियां झेल रहा है और यहां खेतों में किसान आत्महत्या कर रहा है। जय जवान जय किसान का नारा देने वाला हमारा देश आज कहीं ना कहीं हमारे देश में इस प्रकार की स्थिति निर्माण हो चुकी है। तो ये किसान हो, गन्ना तोड़ मजदूर हो, मछुआरे हो, ये इस देश में आज भी जो है सुविधाएं उन तक नहीं पहुंची हैं या उनका जीवन बद से बदतर होता जा रहा है। अतः हमारा कैमरा, हमारी मीडिया, हमारे लेखक, चिंतक, बुद्धिजीवी ये चाहे तो इन स्थितियों में परिवर्तन कर सकते हैं, बदलाव हो सकता है, परंतु यहाँ मानसिकता जो है बुद्धिवादी वर्ग के मन में कहीं ना कहीं एक विलायती चोर बैठा है। इसलिए नीतियां बनती हैं, सरकारी वहां फाइव स्टार होटल में जो है मीटिंग्स होती है और किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की जाती है, आदिवासियों के लिए घोषणा की जाती है, परंतु उसका अमल मुझे लगता है कि होता नहीं। तो ये असमानता मुझे समाज में, देश में दिखाई देती है। और अतः इन लोगों के प्रति, या मैं खुद एक ऐसे परिवार से हूँ, ऐसे गाँव से हूँ कि जहाँ इन लोगों से मेरा अपना खून का रिश्ता है, अतः इन बातों को अपने तरफ का सच में मैं व्यक्त ना करूं तो ये मुझे लगता है कि अन्याय होगा, अतः मैंने इन बातों को यहाँ प्रस्तुत किया। सर आपने एक कविता मिसाइल मैन पर भी लिखी है, तो हाँ सर, कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ सर, देखिए APJ अब्दुल कलाम साहब, हमें गर्व है, हमें अभिमान है उन पर कि उन जैसे व्यक्तित्व के, आदर्शवादी व्यक्तित्व के धनी एक मिसाइल मैन, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक इस पृथ्वी पर, इस देश में उनका जन्म हुआ और
उन्होंने जो कार्य करके दिखलाया मुझे लगता है वो सबके लिए प्रेरणा की कुंज है। उनके लिए मैं अपनी कविताओं में कहता हूं कि समन्वय का गंगा जल है आप, मां की पावनता है आप, समन्वय का गंगा जल है आप, आपके सपनों का भारत, आपके सपनों का भारत, भारत सपना भारत का, कर्म पथ पर कर्तव्य रथ पर सवार होकर भारत माँ के लाल कहलाए, आपके सपनों का भारत, सपना भारत का, विश्व में गूंजेगा एक ही नारा, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि एक ऐसा व्यक्तित्व, ऐसे उच्च आदर्शों को लेकर जीने वाले, जात पात धर्म इससे परे जाकर सकल मानवता के लिए काम करने वाला यह व्यक्तित्व मेरे लिए आदर्श है। हमारे लाखों करोड़ों देशवासियों के लिए नहीं तो पूरे विश्व में महिमा मंडित यह व्यक्तित्व है, तो जिनको नमन प्रणाम वंदन करना मैं अपना आद्य कर्तव्य समझता हूँ, इसलिए मैंने उन पर वो कविता वहां लिखी। सर आपने एक कविता लिखी है गांव पर। हाँ सर, द पोएम रिटन ऑन द विलेज। हाँ सर, which only create pictures in our mind that as if we are in village. Will you reiterate some line from that poem? हाँ सर, देखिए मनुष्य बदलती जिंदगी, बढ़ती उम्र और बदलते जीवन मूल्यों के साथ, मनुष्य बदलते वक्त के साथ बहुत बहुत आगे चला जाता है, दूर दूर चला जाता है, पर कहीं ना कहीं उसके हृदय में अपना गांव बसा हुआ रहता है, गांव की स्मृतियां बसी हुई होती है। अतः उम्र की ढलान पर हो या किसी पड़ाव पर, वो गांव की सारी स्मृतियां, वो सारी बातें, वो बचपना, खेत खलिहान, वो मंदिर मस्जिद, वो सारे पर्व त्योहार, कैसे एक साथ सारे परिवार मिलकर खुशी मनाते थे, कैसे हम गोदावरी नदी के किनारे जाकर वहां जो है कुश्ती खेलते थे, कैसे हम जो है खेतों में बारियों में तरबूज खरबूज ककड़ी वहां खाते थे, कैसे घंटों घंटों तैरते थे। तो ये स्मृतियां होती हैं जो कहीं ना कहीं मनुष्य को गहरे तक अपने गांव से फिर से जोड़ती हैं। और मैंने अपनी उससे कुछ कविताओं में कुछ जो है काव्य पंक्तियां इस प्रकार है कि मेरे गाँव की बात ही कुछ और है। वह पवित्र गंगा गोदा का तट, वह कल कल करता जल, जल में लुढ़कते रेत के कन, रंग बिरंगी मछलियों का समूह, खट्टी खट्टी इमली मीठे मीठे बेर, खट्टी खट्टी इमली मीठे मीठे बेर, गाय बैलों के संग नाचते ग्वाला। ऐसे बहुत से दृश्य हैं कि मंदिर है, मस्जिद है, सुख दुख में कैसे गांव के लोग एक दूसरे के साथ सुख दुख साझा करते हैं, कैसे वहाँ संवेदनशीलता है, कैसे गांव में अपनापन है, भाईचारा है, ये तमाम बातें मैंने अपनी उस कविता में वहाँ। सर मैं आपके कविता का जो काव्य संग्रह है उसका जो नाम आपने दिया है तलाशा सच, इसके पीछे क्या वजह है सर, क्या वजह रही? देखिए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? मैं ऐसा मुझे लगता है सर, मैं एक अन्वेषक हूँ, अन्वेषी हूँ, और सत्य की खोज में निकल पड़ा एक राही, और मुझे सत्य की खोज है। ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर सत्य है, तो सत्य के लिए मरना मिटना मुझे लगता है ये हर भारतीय का कर्तव्य होना चाहिए। अतः मैं इन तमाम बदलते जीवन मूल्यों में भी सत्य को तलाशता हूँ। मूल्य बनते बिगड़ते हैं, परंतु हमारी संस्कृति के अपने जो मूल्य हैं उसे बनाए रखने की हमारी अपनी जिम्मेदारी है, और इन मूल्यों को तलाशना मैं अपना आद्य कर्तव्य समझता हूँ। अतः सारी जो मेरी कविता है सामाजिक कविता है, और उन सभी कविताओं के मूल में मुझे एक सत्य वहाँ अंडर करंट आपको नजर आएगा, उसी मूल्य के लिए मैं जीता हूँ, और वही मेरी अपनी प्राथमिकता थी कि मैं इस कविता काव्य संग्रह को यह शीर्षक के लिए। सर यू हैव ऑल्सो रिटन ए बुक ऑन साइकोएनालिसिस, आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट टाइटल, मनोवैज्ञानिक पर भी किताब लिखी है, क्या उस पर कुछ आप बोलना चाहेंगे? जी सर, देखिए साहित्य और मनोविज्ञान इनका अपना एक अभिन्न संबंध है। मनोविज्ञान मूलतः मनुष्य के मनोविज्ञान के केंद्र में मनुष्य का मन है, साहित्य के केंद्र में मनुष्य है। अतः
साहित्य और मनोविज्ञान दो अलग अलग चीजें नहीं है, दोनों के केंद्र में मनुष्य है, मनुष्य का मन है। अतः मनोविज्ञान मनुष्य के मन में उसके अंतस्थल में पड़ी उन गांठों को परते दर परते खोलने का काम करता है। इसलिए साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना मैंने जरूरी समझा। उसमें स्त्री मनोविज्ञान हो, पुरुष मनोविज्ञान हो, बाल मानसिकता बाल मनोविज्ञान हो, युवा मानसिकता हो, एवं वर्तमान बदलते जीवन मूल्य जीवन संस्कारों के साथ बदलती मानसिकताओं को भी परखने की कोशिश मैंने वहां की है। और सूर्यबाला नामक जो चर्चित सुप्रसिद्ध आदर्शवादी कथाकार हैं, उनकी थाली भर चांद नामक कहानी संग्रह पर मैंने अपना एमपी का जो शोध कार्य है संपन्न किया और उसी पर प्रकाशित मेरी वो किताब है जिसका शीर्षक है कि सूर्यबाला की कहानियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन थाली भर चांद के विशेष संदर्भ में। सर, यू हैव रिटन ए पोयम on women, we are no more vulnerable. What do you want to convey? हम अबला नहीं है। देखिए सर, स्त्री शक्ति का प्रतीक है, स्त्री उस दुर्गा का प्रतीक है, उस महाकाली का प्रतीक है कि वो बहुत शक्तिशाली है। मातृशक्ति अपने आप में हम सबको जीवन दायनी देने वाली वो शक्ति है। उसका सम्मान एवं उसके प्रति हमारे मन में सम्मान एवं आदर का भाव होना चाहिए। आज ऐसा कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति पुरुषत्वात्मक है और स्त्री को द्वितीय दर्जे का स्थान दिया जाता है, परंतु मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सदा से ही स्त्रियों ने इस देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए त्याग ही किया है, वो त्याग की मूर्त है। अतः आज भी जब हम देखते हैं समाज में, देश में, विश्व में, तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है कि जहां इन्होंने परिचय नहीं लहराया। मैं अपनी उस हम अबला नहीं है कविता में कहता हूं कि हम अबला नहीं है, क्षेत्र विज्ञान का हो या तंत्र ज्ञान का, क्षेत्र विज्ञान का हो या तंत्र ज्ञान का, अखाड़ा खेल का हो या राजनीति का, अखाड़ा खेल का हो या राजनीति का, हर जगह लहराया है परचम हमने, हर जगह लहराया है परचम हमने, हम अबला नहीं है, हम अबला नहीं है। तो वे किसी सबल है, किसी शक्ति रूपिणी है, उसे मैंने वहां चित्रित करना अपना कर्तव्य समझा। सर, यू हैव ऑल्सो रिटन सम ऑफ द पोएम्स ऑन ह्यूमैनिटी, मानवता। हाँ सर, विल यू इलस्ट्रेट समथिंग? जरूर सर। देखिए, मुझे लगता है कि काफी वर्षों से हम उसी भूमि में रहते हैं जहां तथागत भगवान गौतम बुद्ध, संपूर्ण विश्व को उन्होंने मानवता का संदेश दिया। राम हो, कृष्ण हो, संत कबीर हो, या हमारे सभी साधु संत हो या विचारक हो, सभी ने मानवता के लिए काम किया, सभी ने मुझे लगता है कि लोक मंगल के लिए काम किया। और इतना होने के बावजूद भी इस समय देश में जो है एक अस्थिर माहौल बना हुआ है, हिंसा दिन ब दिन बढ़ रही है, मानवता कहीं ना कहीं खतरे में नजर आती है, हमारे प्राचीन मूल्य कहीं ना कहीं उनका ह्रास हो रहा है, चरित्र का हनन हो रहा है। फिर ऐसी अवस्था में भी मुझे लगता है कि मैंने अपनी हम मानवता का गीत गाएंगे इस कविता में मैं कहता हूं कि हिंसा की अग्नि धधकती रहे, त्याग अहिंसा सत्य परेशान हो जाए, बुद्ध महावीर राम कृष्ण बापू के इस देश में हिंसा की अग्नि धधकती रहे, निरीह जनों के आंसू बहते रहे, निरीह असहाय जनों के आंसू बहते रहे, हम मानवता का गीत गाएंगे, हम मानवता का गीत गाएंगे। क्योंकि हमें तो नवसृजन करना है और हमें मानवता का गीत गाना ही पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। यू आर ऑल्सो राइटिंग सम आर्टिकल्स ऑन डाउन टू पीपल्स, यू आर नाउ कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ लोकमत समाचार, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस सर? देखिए सर, पिछले एक वर्षों से मैंने, मुझे लगता है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में काम करना चाहिए, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि यहाँ काम करने वाले कुछ लोग जो है उतने पढ़े लिखे, उतने उनकी सोच उतनी बड़ी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि वहां कुछ लोग बहुत ही, पर देखिए समाज में एक और इस प्रकार की स्थितियां हैं और हम टीवी पर, चैनलों पर, अखबारों पर क्या दिखाते हैं,
तो मुझे लगता है कि आज भी पढ़े लिखे लोगों की, सकारात्मक काम करने वाले विचारों की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को बहुत जरूरी है। तो मैंने एक वर्ष से जो लोकमत समाचार ज्वाइन किया, तो वहां काम करते समय मैंने जो है, मैं जिस परिवेश में रहता हूं, जिस भूभाग में रहता हूं, कि वहां किसान हैं, मजदूर हैं, मछुआरे हैं, गन्नातोर मजदूर हैं, युवा हैं, वहां शिक्षा का स्तर निम्न से निम्न स्तर पर ढल चुका है, उच्च शिक्षा में पिछड़ापन है, यहां हर 15-20 दिनों में किसान आत्महत्या करता है, यहां से सैकड़ों हजारों की मात्रा में लोग विस्थापित हो रहे हैं, अकाल की स्थिति है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इन सारे पतनशील माहौल में, वातावरण में, उस पिछड़े वर्ग की, उस दबे हुए आवाज को किसी ने मानी नहीं दी। कि ऐसे भी कुछ परिवार हैं सर, कि जो मुर्गियों के अंडे बेचकर भी साप्ताहिक बाजार करते हैं, ऐसे भी कोई परिवार हैं सर, कि जो बकरियां बेचकर बिटिया का ब्याह करते हैं। वो माता पिता ये चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे को उच्च शिक्षा दे दूं, उसे पढ़ाऊं लिखाऊं, उसे भी कोई अफसर बनाऊं, परंतु प्रतिवर्ष बिटिया के ब्याह के लिए या लोगों से साहूकार से कर्जा लेकर वो मजबूरन अपने बेटे को गन्ना तोड़ने के लिए दूर दराज भेजते हैं। ये उनकी विवशता है। किसान के परिवार में आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि 2-2.5 एकड़, 5 एकड़ खेती है, 10 एकड़ खेती है, परंतु प्रतिवर्ष जो है बारिश नहीं हो रही है। और ऐसी अवस्था में उनके प्रश्न है, उनके सवाल है, इनको भी मैंने शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया है, कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि ये सबका काम है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, कवि हो, लेखक हो, साहित्यकार हो, राजनेता हो, विद्यार्थी हो, गांव का सरपंच हो, इन तमाम लोगों का ये अपना मूल कर्तव्य है कि आज हम संकटों से, विपदा से जूझ रहे हैं, हमने पाश्चात्य देशों से कुछ सीखना चाहिए। अमेरिका, जापान, इजराइल, ये ऐसे देश है जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जिनके पास देशभक्ति की भावना बहुत बहुत कुट कुट कर भरी है। जापान पर जब हमला हुआ था, हल्ला हुआ था, अनुबम गिरे थे, तो वो लोग टूटे नहीं, बिखरे नहीं, एक हुए, एकता की मिसाल पेश की। आज अकाल है, आज चारा पानी के लिए या पानी के लिए जो है पंछी, मनुष्य, जानवर दर-दर भटक रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, यहाँ शिक्षा क्षेत्र में अनिति है, तमाम ऐसी समस्याएं हैं। और हम सबको एकजुट होकर इस देश को फिर से 2020 का जो हमारा अपना सपना, मिसाइल मैन का सपना है, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम का सपना है, उसे भी साकार करना है, तो आपको, मुझे, हम सब भारतवासियों को साथ में मिलकर कुछ करना होगा। तो दर्शकों के लिए क्या संदेश देंगे सर आप? यही संदेश है आपका? देखिए, मेरा संदेश तो यही है, पर इससे परे जाकर मैं ये कहना चाहूंगा कि हम उसी देश के वासी हैं, कि मुझे लगता है कि अंग्रेजों ने 150 वर्ष यहाँ शासन किया, परंतु मातृभूमि के प्रति जो लगन, उसे अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त करने के लिए जो भावना स्वतंत्रता पूर्व काल में थी।